हाय बच्चों, आई एम सीएसएस हरीश मथरिया। अभी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुद्दा बड़ा आसान है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए काम का है। सीधी बात, नो बकवास, 5 मिनट में सारी चीज बता दूंगा। आपके मन में 3 सवाल चल रहे हैं। पहला, सर हमारा एग्जाम जिस डेट को डिसाइड हुआ था उसी डेट को होगा क्या? दूसरा, सर एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? और तीसरा, एग्जाम कैंसिल होगा क्या? और चौथा, कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई कैसे करना है, इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूँ कि जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है वैसे चलने दो। ये सोचो ही मत कि एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल होने वाली है। सर आप क्या चाहते हो, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए या उसी डेट पे होना चाहिए? बेटा देख, मैं क्या चाहता हूँ मैं पहले बता देता हूँ। इसके ऊपर काफी सारे टीचर्स ने ऑलरेडी, जैसे विकास वोरा सर ने भी वीडियो बनाया था, काफी टीचर्स बनाया था, एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बच्चों की एग्जाम से ज्यादा जरूरी बच्चों की जिंदगी है बेटा। यहाँ पे मोदी साहब ने पूरा देश बंद करके रखा है तो वहां पे एग्जाम, यहाँ पे पोस्टपोन करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट के सामने एग्जाम पोस्टपोन करे तो क्या क्या चैलेंजेस है वो बता देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। मेरा भी इंस्टीट्यूट को यही रिक्वेस्ट है कि हे इंस्टीट्यूट, प्लीज एग्जाम पोस्टपोन कर दे, है ना? और अगर पोस्टपोन नहीं होती तो कैंसिल भी हो गया तो हमारे लिए तो चलेगा, हम तो बड़े खुश है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान देना, आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं, सर एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, कैंसल होगा क्या, या फिर जो डिसाइडेड डेट था उसी डेट को एग्जाम होगा क्या? और 14, सर हम पढ़ाई कैसे करें? ये टोटल 4 सवाल आपके मन में आ रहे हैं। चौथे सवाल का जवाब दे देता हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना वैसे ही कंटिन्यू करो। जिस किसी से आपने लेक्चर लिए होंगे, जैसे आप पढ़ रहे थे, जो आपके पास किताबें थी एग्जाम के समय, किताबें, लेक्चर, टीचर, डॉक्टर चेंज नहीं करना है। जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है उसी डॉक्टर से इलाज चलने दो। अब मैं एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे बच्चे जून 2020 में, यहाँ पे इस जून मंथ में टोटल 3 एग्जाम्स है। टोटल इस बार 2020 के जून मंथ में टोटल 3 एग्जाम्स है, बरोबर है? सीएस की एग्जाम है, सीएमए की एग्जाम है और सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम है। तीनों प्रोफेशनल कोर्सेस है, तीनों प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तीनों प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बरोबर है? प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सो सीएस, सीएमए एंड सीए। सीएस की एग्जाम हमारी जून के पहले 10 दिन में होने वाली थी, सीएमए की एग्जाम जून के सेकेंड 9-10 दिन में, और उसके बाद जून के थर्ड वीक से, 19 या 20 जून से आपकी सीए की एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी। सर ये बची हुई 2 एग्जाम का सीए स्टूडेंट को क्या लेना देना? नहीं बेटा, लेना देना है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइमल्टेनियसली सीएस या सीए, सीएस या सीएमए, सीए या सीएस ऐसे कोर्सेज करते हैं। और वैसे भी, और ये कॉमन कॉमन जो स्टूडेंट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। सीए, सीएस, सीएमए की एग्जाम कॉलेजेस में होती है, वो कॉलेजेस सेंटर भी सेम होते हैं। अब एट ए टाइम अगर तीनों इंस्टीट्यूट एक ही सेंटर पे आ जाएंगे, मेरी एग्जाम रहेगी तो होगा क्या, पॉसिबल है क्या? इसीलिए ये तीनों इंस्टीट्यूट की जनरली जो डेट्स होती है ना वो अलग अलग होती है, 100% ओवरलैपिंग नहीं होती। सो अब यहाँ पे ध्यान देना। सो जून में पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट और तीसरा स्लॉट, ये 3 स्लॉट में जून महीना खत्म हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना, कॉमन सेंस वाली बात करो मेरे बच्चे। और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया आपका जुलाई मंथ। और आप लोग जानते हो जुलाई मंथ में आपकी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब कॉलेजेस स्टार्ट हो गई मतलब इंस्टीट्यूट के पास, कॉलेजेस स्टार्ट हो गई मतलब इंस्टीट्यूट के पास एग्जाम सेंटर की दिक्कत आ जाएगी। कॉलेजेस अगर स्टार्ट हो जाती है तो इंस्टीट्यूट एग्जाम कहाँ कंडक्ट करेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सो अगर एग्जाम पोस्टपोन हुई भी तो ज्यादा में ज्यादा 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पोस्टपोन हो सकती है। फिर वहां पे उस केस में ये सारी एग्जाम पोस्टपोन करनी होगी, या फिर ये सीएस इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है, ये एग्जाम कहाँ पे शिफ्ट कर देगी, सीए के बाद। लेकिन इसमें ज्यादा भी हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आगे तो कॉलेजेस स्टार्ट होने वाली है। सो या तो एग्जाम अगर पोस्टपोन होती है तो कुछ दिनों से, फ्यू डेज से आपकी एग्जाम पोस्टपोन होगी, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसा पोस्टपोन नहीं होगी। सर अगर कोरोना का लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ तो? सर आप जो फ्यू डेज की बात कर रहे हैं, डेज में काम हुआ ही नहीं, अगर 1 महीने से आपका 1.5 महीने से लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है तो उस समय उस सिनारियों में आपकी एग्जाम यस कैंसल हो जाएगी, उस सिनारियों में आपकी एग्जाम कैंसल हो जाएगी मेरे बच्चे, पोस्टपोन नहीं होगी, कैंसल हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एग्जाम अगर पोस्टपोन होती भी है तो कुछ दिनों से पोस्टपोन होगी, अदरवाइज एग्जाम आपकी कैंसल हो जाएगी। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, एग्जाम कैंसल हो जाएगी।
ये मेरा कॉमन सेंस कहता है, ये ही मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ बेटा, ऐसी बाल सफेद नहीं हुआ है, ये मेरा कॉमन सेंस कहता है कि अगर एग्जाम लंबे समय से पोस्टपोन करने की बात आई तो कॉलेजेस में वहां पे सेंटर मिलने में इंस्टीट्यूट को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बेटे मेरी बात? ये बस यही मैं आपको कहना चाह रहा था। सो एग्जाम, वैसे सर आप क्या चाहते हो? डेफिनेटली एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए, एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। पोस्टपोन नहीं हो रही है तो कैंसिल कर दो एक बार का, चलेगा, लेकिन बच्चों के जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी, मैं जानता हूँ इंस्टीट्यूट भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लेकर के आएगी। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट बच्चों का बुरा नहीं करोगी, मुझे मेरे इंस्टीट्यूट पे पूरा भरोसा है, इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देगी। तो बिल्कुल आप चिंता मत करो, बच्चों का काम है बस पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो। ये एग्जाम का मैनेजमेंट का काम पूरा इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट उसका काम अच्छे से देख लेगी। और बिल्कुल चिंता मत करो, एग्जाम या तो पोस्टपोन होगी या तो कैंसिल होगी। व्हाट आई फील, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम नहीं होने वाला है मेरे बच्चे, जो मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ। फिर भी इस बात पे अभी कोई नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का नहीं आया, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से मैं बताया बेटा, देन बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए या कैंसिल हो जाना चाहिए। देन ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज।